गाइज, हम लोग जो एलआरएल मोटर्स में ऑर्डर किए थे वो आ चुका है एंड बॉक्स मेरे सामने आया, अभी रिसीव किया हूँ मैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो गाइज, ये रहा हम लोगों का एलआरएल मोटर्स का पैकेज, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो गाइज, इसे हम लोग देखते हैं काट के। तो गाइस देख सकते हो बॉक्स एकदम अच्छे पैकेजिंग के साथ आया है एंड यहाँ पे 66 BHP स्टिकर है गाइस, ठीक है। यहाँ पे 66 BHP का एक मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का कुछ दिया गया है एंड मेन जो चीज़ है वो एक्सरवाइज ये है कैनन का एयर फिल्टर एंड ये एक फ्री कुछ मिला है, देखेंगे ये क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है पावरट्रॉनिक का हैंडल बार मैप स्विच और यहाँ पे है इरिडियम के स्पार्क प्लग्स, आप जैसे कि देख सकते हो इरिडियम के स्पार्क प्लग्स 3 ठो। और जो चीज़ ऑर्डर किया हूँ ये एक शैम्पू है एंड ये फोम्स मतलब आपका चेन लूप है। चलो गाइस, अब देखते हैं इतना कुछ मिला है, अब खोल के इसको खोल के देखते हैं। ये रहा गाइस हम लोगों का एयर फिल्टर, आप जैसे कि देख सकते हो। और इसमें तो KNN का एक स्टिकर दिया हुआ है एंड कुछ मैनुअल्स है। और अब आता है गाइस, देख सकते हो पावरट्रॉनिक। तो मुझे इसका बॉक्स बहुत अच्छा लगा, देख सकते हो एकदम। ये रहा वो स्विच, क्वालिटी गाइस सीरियसली प्रॉमिसिंग है। 1500 रुपीज़ इसका लिया है भाई, कुछ तो अच्छा मिलेगा ही। इसका 1500 एंड इसका 5100। EDM का स्पार्क प्लग आई थिंक सो 2100 या वैसे कुछ है। इसका 200, इसका 80 रुपये एंड ये फ्री मिला है। इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। गाइस आप देख सकते हो ये शायद मतलब मुंह में, हाँ, मतलब फेस कवर करने के लिए ये पहनते हैं, गेटर ना इसको क्या चीज़ कहते हैं। तो गाइज ये सब कुछ था इसमें एंड वेरी नाइस पैकेजिंग। अब इन सबको इंस्टॉल करने का बारी है। अब पावरट्रॉनिक भी हम लोग अनबॉक्स कर, पावरट्रॉनिक जस्ट अराइव्ड, देख सकते हो सब कुछ आ गया है। वहाँ पे एयर फिल्टर है, मैप स्विच और ये है हम लोगों का स्पार्क प्लग एंड लास्टली गाइस द पावरट्रॉनिक ECU, वो गिर गया, इसको भी गिरा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो गाइस, सिर्फ देखो गाइस जो बॉक्स है गाइस मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है एंड देख सकते हो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट है वो नज़र आ जाएगा, 18,000 रुपीज़ एंड दिस इज़ फॉर द पल्सर NS200, यहाँ पे लिखा रहता है। सो अब चलो इसको ओपन करते हैं एंड गाइस ये वाला मैग्नेटिक पोर्शन आप देख सकते हो अच्छे से, ये देखो एंड गाइस ये रहा हम लोगों का ECU, निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा गाइस द ECU, यहाँ पे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में आने वाला जो काम है वो होता है एंड यहाँ पे ग्रीन लाइट एंड रेड, सो बाय डेस डायनामिक्स।
और देखते हैं क्या मिला है बॉक्स में। ये हम लोगों को मिला है कफलर, जब सब कनेक्शंस हो जाएगा तब इसको अटैच करके देखना पड़ेगा कि ये ठीक से रन हो रहा है कि नहीं, ये वाले ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। एंड ये रहा हम लोगों का हार्डनेस, यहाँ पे भी लिखा है गाइस कौन सा वेरिएंट के लिए है। क्वालिटी देगा इसके बिल्कुल टॉप नॉच, टॉप नॉच। 18 सब देखो है, देखे अगर मतलब आप सोचोगे नहीं कि हाँ भाई बहुत खर्चा हो गया लेकिन अच्छा क्वालिटी का चीज़ नहीं मिला, इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं मैनुअल्स हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं देख सकते हो आप, किचन है, ये सब कुछ मिला है बॉक्स में। एंड और जो एक चीज़ इसके नीचे रहता है वो है USB कनेक्टर, देख सकते हो अलग है ये, तो ये यहाँ पे आ जाता है जो मैंने आपको बोला। ए जो गाइस, एंड फिर से इसको ऐसे ही अटैच करने का है। तो यही कुछ मिला था गाइस बॉक्स में, और आप देख सकते हो सब हो चुका है, कल इसको लगवाने जाना है, तो फिर देखते हैं कैसा होता है सब कुछ। सो ये गाइस निकल पड़े हैं सब चीज़ें लगवाने के लिए, एंड अभी देख सकते हो 7067 में मैं ये सब काम करा रहा हूँ, बिकॉज मैं सर्विस सेंटर में बोलूँगा कि सर्विसिंग है नॉर्मल सा। और ये जो फ़ोन होल्डर है गाइस इसको मैं हटा दूँगा, एंड यहाँ पे मैप स्विच लगाऊँगा, एंड फ़ोन होल्डर का कुछ सोचेंगे। सो एयर फिल्टर लगवाने के बाद सब बोल रहा है कि मतलब साउंड चेंज होगा, तो अभी कैसा साउंड है देखते हैं। लगवाने के बाद कैसा साउंड देता है, सो लेट्स गो गाइस। आप देख सकते हो अभी हम ट्यूनिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन वाला पार्ट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे पावर टॉनिक है एंड यहाँ पे केबल भी है। सो अभी हम लोग उसमें हम लोगों का जो रहेगा मैप वो इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम लोगों को चला जाना है पावर टॉनिक के वेबसाइट पर, आप देख सकते हो ये है वो वेबसाइट, एंड यहाँ से आपको पहले तो जो डाउनलोड करना पड़ेगा वो है ये आर्टून वर्शन, ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड आर्टून USB ड्राइवर्स, एंड लास्टली आपको जो डाउनलोड करना पड़ेगा वो है यहाँ पे पावरट्रॉनिक जो मैप्स है वो आपके बाइक के हिसाब से वो वाला डाउनलोड करना है। सो पहले जो अब आप डाउनलोड करोगे आर्टूनर, सो ये वाला है आप देख सकते हो, एंड जो आपको ये वाला मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट, एंड फिर एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो अभी पावरट्रॉनिक को ओपन करते हैं। सो ऐसा लोगो आएगा गाइस, एंड ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हम कनेक्ट करते हैं इसको लैपटॉप के साथ, फिर आपको सब दिखाते हैं। देख सकते हो मैंने लगा दिया, एंड ये देख सकते हो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। अब हम लोगों को पहले जो करना है वो जाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे रिफ्रेश, आप देख सकते हो इस रिफ्रेश को दबाना पड़ेगा एंड COM3 आ जाएगा, फिर आपको जो करना पड़ेगा वो है कनेक्ट। तो आप देख सकते हो सब आ गया है, कनेक्ट हो गया, एंड नाउ हम लोगों को डेटा रिसीव करना है, तो रिसीव पे दबाते हैं, एंड यहाँ पे दिखा रहे हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम ECU। अभी सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा, इट विल टेक अ बिट टाइम, देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे, एंड सब डेटा आ चुका है देख सकते हो। हम लोगों को पहले जाना है यहाँ पे कॉन्फिग में, एंड वहाँ से हम लोगों को ले लेना है थ्रॉटल पोजीशनिंग, फिर ऑटो कैलिब्रेट। गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं थ्रॉटल घुमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको किल स्विच ऑन कर लेना है,
मैंने यहाँ पे किल स्विच ऑन नहीं किया था, तो ये वाला फुटेज था जो जिसमें ऑन किया था वो फुटेज डिलीट हो गया, तो वॉइस वाला आपका का इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको स्विच जस्ट ऑन कर लेना है और कुछ नहीं। तो गाइज हम लोगों का ऑटो कैलिब्रेट कंप्लीट हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। अब थ्रॉटल पोजीशनिंग का ऑटो कैलिब्रेट हो गया है, तो अब हम लोग करेंगे सेंड। आप देख सकते हो सेंड पे क्लिक कर दिया है, हम दिखा रहे हैं सेंडिंग डेटा टू ECU। और हो गया सेंड। अभी हम लोगों को क्या करना है, बर्न करना है। एंड बर्न करने से पहले हम लोगों को ये बताना जाएगा कि द मैप ऑफ द ECU। तो हम लोगों को अभी बाइक ऑफ करना है एंड देन प्रोसीड में दबाना है। आप देख सकते हो बर्निंग डेटा टू ECU, तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा हम लोगों के ECU में ये वाला मैप। सो गाइस आप देख सकते हो बर्न टू ECU सक्सेसफुल हो चुका है। जो करना है वो है कि आपको, मैंने बोला था कि आपने हिसाब से मैप चूज़ कर लेना है, तो मैंने जैसे कि मेरा ये NS है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे NS वाला मैप ओपन करते हैं। एंड ये वाला हम लोगों को फर्स्ट सेंड करना पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हो। तो अभी सेंडिंग डेटा टू ECU हो रहा है। ECU, अब हम लोगों को करना है बर्न प्रोसीड। तो ये भी सक्सेसफुल हो चुका है गाइस, टोटली डन हो चुका है जो भी करना था। नाउ वी हैव टू सिंपली डिस्कनेक्ट। यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट देख सकते हो, जस्ट आपको सिंपली डिस्कनेक्ट दबाना है एंड USB हटा लेना है। बस डन गाइस। अब देखते हैं बाइक को चलाकर कैसा फील आता है। आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। एंड अगर आपके पास मैप स्विच रहता है ऐसा, तो आप दूसरे में करके यहाँ पे टू लिख के आ जाएगा, आप दूसरा मैप भी लगवा सकते हो आपके जैसा इच्छा। एंड वहाँ पे जैसा सेंड और बर्न जैसा करना था। ओके सो यही था इसमें। यो गाइस, तो लगभग मैं 2-2.5 सप्ताह चलाने के बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। सो अभी जो लग रहा है मुझे, एंड इनिशियल में भी जो लगा था कि हाँ भाई बाइक पहले से थोड़ा स्मूथ हो चुका है, एंड पहले से जो पिकअप है वो मतलब और अच्छे से नज़र आ रहा है कि हाँ भाई पिकअप अच्छे से उठ रहा है। एंड ये मैं एकदम क्लियरली बोलूँगा कि हाँ भाई कुछ फीलिंग चेंज है। मैं यह नहीं बोलूँगा गाइस कि बहुत रेडिकल चेंज है, बट है भाई चेंज। आप जब इतने पैसे खर्च किए हो कुछ तो चेंज मिलेगा ही। एंड मैपिंग मैंने जस्ट आपको जैसे दिखाया, तो वही मैपिंग आप भी करना नॉर्मली, एंड अच्छा रहेगा। मैंने कोई 11-12 हज़ार मतलब 12 हज़ार तक नहीं खुलाया, तो यही बात था। एंड जो रिव्यू है गाइस ओके हैं। एंड अगर आपको मतलब और एक इन डेप्थ वीडियो चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर से एक और वीडियो ले आने की कोशिश करूँगा। बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बिकॉज इसमें हम लोगों ने इरिडियम स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, ECU बहुत कुछ लगवाए हैं। तो यस, इट्स वर्थी टू मेक अनदर वीडियो। सो इट इज़ ऑन पब्लिक डिमांड। अगर सब पब्लिक बोलती है हाँ भाई कि एक और इंस्टॉलेशन का वीडियो सेपरेटली एंड और कुछ डिटेल्स का, तो ज़रूर से मैं बनाऊंगा। सो इसी वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं एक और वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।